मैं आपको अशफाक एक कहानी सुनाता हूँ। 2012-13 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक टेबल पे यही डिस्कशन हो रही थी। तो तब पेंशन का जो बोझ है, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट पे कर रही थी इन टर्म्स ऑफ पेंशंस, वो कोई 250 अरब के करीब था। तो अच्छा मैंने उस वक्त एक मोहतात अंदाजे से कहा कि ये 5-6 साल में डबल हो जाएगा और इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ओके आज जब बजट प्रेजेंट हुआ है तो ये 1,040 अरब रुपया है, अल्लाह वन अकबर थाउजेंड एंड 40 बिलियन रुपीज। पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर का खाका है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हम पेंशन्स में कर रहे हों, सब्सिडीज में कर रहे हों, पीएसडीपी में कर रहे हों, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट में कर रहे हों, सब्सिडीज में कर रहे हों, अशफाक एक तो बात यह है कि इसको ओवरऑल जायजा लेने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह ये बढ़ रहा है और जो हेड्स को क्वालिटी ठीक करने की जरूरत है वो हम नहीं कर पाए। पेंशन में ये है कि आप रिटायर होते हैं, आपकी चलें स्पाउस को पेंशन मिलती है अगर आप जिंदा नहीं रहते, फिर आपकी बेटी अगर मैरिड हो उनको पेंशन मिलती है, फिर अगर आप कोई और जॉब ले लेते हैं गवर्नमेंट में ही, फिर भी आपको पेंशन मिलती रहती है। एक तो इसको बहुत क्लीन अप करने की जरूरत है, ऐसा दुनिया में नहीं होता। दूसरा, क्लीन अप इसको जो करने की जरूरत है, मैंने हमेशा कहा है कि पेंशन का बोझ जो है हमने हर साल लेना है और बजट पे लेकर उसको खत्म करना है। मतलब यह है कि ये तो उनका भी बोझ चल रहा है जो 15 साल पहले रिटायर हुए थे, उसका मतलब है जिसको हम कहते हैं पे एज यू गो, यानी कि एक पार्ट ऑफ योर पेंशन जो है एक फंड में डिपॉजिट होता रहता है, वो आप की सवाबदीद है। आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, नेशनल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, बैंक में रख के इन्वेस्ट करें। सो वो जो बोझ है वो सरकार से कम करना है। इसको हम कम इमीडिएटली तो नहीं कर सकते क्योंकि नए एम्प्लॉयज भी आते रहेंगे। असल बात तो जहां मुल्क खड़ा हुआ है, आज आपको नई एम्प्लॉयमेंट बैन कर देनी चाहिए सरकार में, अच्छा, इतना बोझ है इस वक्त लेकिन डॉक्टर सरकार साहब पे। एक चीज है इसके अंदर, लेट्स नॉट हर्ट द फीलिंग्स, बिकॉज जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके जाने का, उनकी तैयारी का, बचपन से लेके एक गवर्नमेंट जॉब का कहा जाता है कि जाहिर है कि उसकी जिंदगी समझ जाएगी, वो इसीलिए होती है कि जॉब सिक्योरिटी होती है नंबर वन, आगे जाके फिर रिटायरमेंट के बाद ये एक बड़ा कंसर्न होता है प्राइवेट सेक्टर में, बड़ा कंसर्न होता है कि जी रिटायरमेंट के बाद आपने क्या करना है। तो जो लोग मेहनत से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल कर पाते हैं तो उनको एक सुकून और सहूलत होती है कि आगे भी जो है उनके लिए आसानियाँ रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए आज से नहीं, इंसेप्शन से, कि भाई ये किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज मैं किया जाएगा। इसमें ये ऐड करूंगी, जब हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं तो हम फिर वेलफेयर में क्या आवाम को सर्व कर रहे हैं? आप अगर दूसरे मुल्कों की मिसाल लें, वहाँ पर बेरोजगारी अलाउंस भी होता है, वहाँ पे बहुत सारे अलाउंस होते हैं, बुढ़ापे में अलाउंस अलग मिल रहे होते हैं, अलग अलाउंस मिल रहे होते हैं, और जब आपने इतनी खिदमात दी होती हैं, अपनी सैलरी से टैक्स कटवाए होते हैं, तो कुछ तो इन रिटर्न मिलना चाहिए लोगों को। तो सदफ़ और अशफाक, आपने इतने गहरे सवाल किए कि हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, बट इन अ यू नो समरी मैनर, देखिए एक तो बात यह है कि जो इस वक्त एम्प्लॉयज हैं उनकी तो पेंशन डिस्टर्ब नहीं की जा सकती बिकॉज वो तो स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब जो नए आने वाले हैं उनको ये साथ किया जा सकता है कि लेट्स से 10% ऑफ व्हाट देयर सैलरी इज कैन बी डिपॉजिटेड, पार्टली गवर्नमेंट पे कर सकती है, पार्टली वो खुद पे करेंगे, दुनिया में ऐसे होता है, और वो एक फंड में चली जाएगी। दैट मींस कि उनको इसका जब लंप सम मिलेगा तो इट विल बी फार ग्रेटर देन द पेंशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सारी जिंदगी एक गाड़ी इस्तेमाल करता है सरकारी मुलाजिम, आप ये सोचिए कि इन द एंड वो गाड़ी उसको नहीं मिलती, वो गाड़ी तो वापस हो जाती है सरकार को, और गाड़ी का एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, फिर जिस तरह उसको इस्तेमाल किया आप जाता है। आप यही सोचिए कि वो उस शख्स को हम गाड़ी की बजाय 50,000 रुपया महीना देना शुरू कर देंगे, जाए आप गाड़ी लीज कर ले, छोटे स्केल पे सुजुकी, बड़े स्केल पे करोला। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन द गवर्नमेंट, हमने एक मोनेटाइज कर दिया। कोशिश ये है कि आपकी सैलरी में बिल्ट इन हो ये सारी चीजें, ताकि आप जब टेक होम कर सकें तो आपको एंड पे एक पेंशन का लंप सम बड़ा अमाउंट मिल सके, या वो कहीं इन्वेस्टेड हो और उससे आपको, जैसे बैंक में रखा हो और आपने 1 करोड़ रखा हो और आपको अगर इस वक्त 15% इंटरेस्ट रेट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 15 लाख। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज भी है, तो ये काम एम्प्लॉयज के जो आपके रिटायर होने वाले हैं या उनके बिहाफ पर, ये काम गवर्नमेंट अस खुद नहीं कर सकती कि ठीक है जी हमने आपकी रकम का ये हिस्सा यहाँ पर फलानी जगह इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से आपको इस मद में ये पैसे मिलेंगे, और फिर हो सकता है एंड में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको मिल सकता है जब आप निकलवाना चाहें। आई मीन जस्ट अ सजेशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ये तजवीज़ कर सकती है। दुनिया भर में मैनेज्ड फंड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट्स भी चलाती हैं, भी प्राइवेट सेक्टर के भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर हम क्या क्रिएट करेंगे जिनको हम कहते हैं सुपर एनुएशन, यानी कि जब आप रिटायर होते हैं उनके नाम से फंड्स क्रिएट करेंगे, वो अगर
लेट्स से कि सदफ जो है वो रिस्क लेना चाहती हूँ, कहती है नहीं मैं तो स्टॉक मार्केट में करूंगी, मैं ज्यादा कमाना चाहती हूँ. आप कहते हैं नहीं मैं नेशनल सेविंग्स में करूंगा, मैं 10-12% ही कमाना चाहता हूँ. सो आप अपनी सवाबदीद पे ये इस्तेमाल करेंगे. मैंने चूंकि ऑस्ट्रेलिया में काम किया है और ऑस्ट्रेलिया का जो सुपर एनुएशन यानी कि रिटायरमेंट सिस्टम है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. वो इस तरह के कई फंड्स हैं, जैसे एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, एक ग्रोथ ऑप्शन है, एक सेफ ऑप्शन है. सो देन आपकी सवाबदीद होती है कि आपके पैसे आपके डिस्पोजल पे हैं, कि आपकी लेट्स से जिंदगी 30 साल पड़ी है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं. आपकी जिंदगी रिटायरमेंट तक 15 साल है तो आप कम करेंगे. जिनकी 5 साल है वो चाहेंगे कि उनके पैसे मुंजमित हो जाए. So ये पूरा जिसे आप कहेंगे एक्चुअरीज जो ये काम करते हैं दुनिया में, हाँ. उन्होंने बैठ के एक निजाम तरतीब देना है जिससे पेंशन लेने वाला भी और देने वाला दोनों जो हैं बेहतर हो सके. अच्छा डॉक्टर साहब ये फॉर्मूला जरा समझा दें क्योंकि काफी कंसर्न होंगे पेंशनर्स, जिसमें बताया जा रहा है कि जी जो पेंशन ली जा रही है 2 साल पहले की जो उनकी तनख्वाह थी उसका 70% दिया जाएगा. ये तो बेहतर ही है इन द सेंस के ये रिफॉर्म तो हम करते रहते हैं. ये तो उनके लिए है जो इस वक्त सिस्टम में है कि उनकी जो पेंशन है उसको कैसे टाई अप करना है. सो दैट विल मेक देम यू नो बेटर ऑफ इट. आई डोंट थिंक इट विल मेक देम वर्स ऑफ. दैट्स फाइन. बट असल जो रिफॉर्म है वो है कि कैसे पेंशन का बोझ सरकार ने देना है पार्टली, उसको पार्टली अपनी बुक से उठाकर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में लेकर जाना है. इससे देखें कि कितने पैसे भी होंगे जिससे प्राइवेट सेक्टर बेहतर होगा, नए फंड्स आएंगे मार्केट में. अभी तो सरकार ने सारा बोझ उठाया हुआ है. ये 1040 अगर इस तरह बढ़ता रहा तो ये ऐसे हो जाएगा कि पेंशन ज्यादा होगी और हमारे पास इतनी सख्त नहीं होगी. ट्रांसफर कर दिया है टैक्सेस की सूरत में डॉक्टर साहब, और यहाँ तो प्रमोशन ही बिल्कुल जब आप रिटायरमेंट की एज पे पहुँचते हैं ना तब जाके आपका प्रमोशन होता है, सैलरी इंक्रीज होती है, वो भी 2 साल पहले की, उस पे अगर आपको पेंशन मिलेगी तो पेंशन के हाथ में आएगा क्या.